हमारा अंडमान निकोबार में सबसे बड़ा दुनिया का ओवर द हॉरिजॉन रडार लग रहा है, जिससे जो सिर्फ 5 या 7 कंट्रियों के पास है, जिससे आप 5,000 किलोमीटर तक उड़ने वाले पक्षी को भी नाप लोगे। 5,000 किलोमीटर जो वहां पीएमओ में बैठे हैं या 7 लोक कल्याण मार्ग में जो जनाब बैठे हैं, वो हैं तो सबके पापा, उनको पता है गेम कैसे खेलना है, और उनके अलावा कोई पापा नहीं, वही सबके पर पापा। हर जगह के हेड, अगर आप कह रहे हैं कि वहां पे हेड जो है वो इंडियंस लग गए हैं, तो सर वो अपनी काबिलियत पे लगे हैं ना। अगर वो हम अगर हमें कुछ नहीं मिलेगा तो उसमें आप उनको कहेंगे कि वो नहीं दे रहे, ये बात। यहाँ इस वक्त भारतीय लॉबी जो है वो इसराइल की लॉबी के बाद दूसरे नंबर पर है। अब तो मेरे ख्याल में पहले नंबर पे आ रही है, इसराइल की भी नीचे जाती जा रही है। हर दूसरी कंपनी का सीईओ जो है भारतीय है। अब आगे जे बंगा साहब वर्ल्ड बैंक में आ रहे हैं, कुमार साहब फेडअप के हेड हैं इस वक्त। तो सारी चीजों के अंदर अब आप अमेरिका से एक्सपेक्ट करना छोड़ दें चीजें। इकोनॉमी वो रशिया से नहीं डरते, वो अमेरिका से नहीं डरते, वो कहते हैं भाई हमारे ये ट्रस्ट है, उनके पास एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग है, सैमसंग की मैन्युफैक्चरिंग है, होंडा की, होंडाई की मैन्युफैक्चरिंग है, पाकिस्तान के पास नहीं। और यही जो हिलरी क्लिंटन बोलती थी ना, स्नेक्स इन द बैकयार्ड वाली फेमस स्पीच है उसकी, कि जैसा बोगे वही फल काटोगे। यार तुम जो तुमने बोया है ना, तुमने बबूल बोया है, तो उसमें आम या फिर पपीता या नारंगी तो नहीं होगा, उसमें बबूल का ही फल आएगा, फिर वो कटीला फल, जहरीला फल वही आएगा यार। तो यही तुमने बोया है। अब तुम 10 बार लोगों को कह दो कि यू नो रॉ की साजिश है और इंडिया की साजिश है। और भारत ने ओवर द होरिजन रडार सिस्टम को न केवल बना लिया है बल्कि अंडमान में तैनात कर दिया है। विश्व में इस प्रकार का यह अनूठा रडार सिस्टम माना जा रहा है जो 20 से 25,000 किलोमीटर दूर उड़ रहे छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट यानी चिड़िया जैसे चीज़ों को भी डिटेक्ट कर सकता है। अभी हाल में जो चाइनीज बैलून अमेरिका के ऊपर उड़ रहे थे, उसके बाद से इस रडार की तैनाती विश्व में एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। आगे की चर्चा सुनते हैं। जो वहाँ पीएमओ में बैठे हैं या 7 लोक कल्याण मार्ग में जो जनाब बैठे हैं, वो हैं तो सबके पापा, उनको पता है गेम कैसे खेलना है, और उनके अलावा कोई पापा नहीं। हमारा अंडमान निकोबार में सबसे बड़ा दुनिया का ओवर द हॉरिजॉन रडार लग रहा है, जिससे जो सिर्फ 5 या 7 कंट्रियों के पास है, जिससे आप 5,000 किलोमीटर तक उड़ने वाले पक्षी को भी नाप लोगे। 5,000 किलोमीटर का डायमीटर है, कंफर्म नहीं है, बट जो मेरे को सोर्स बेस इंफॉर्मेशन आई है, सबसे बड़ा दुनिया का ओवर द हॉरिजॉन रडार, और हमारे पड़ोसियों की नींद दोनों तरफ से उड़ गई है। और आज आजकल देखो अच्छी बात हो रही है रोहित भाई, हमारे जितने भी शत्रु है ये दुनिया में जहां भी छुपे, पता नहीं यार इनको कौन मार रहा है, पता नहीं कैसे मर रहे हैं, कोई आ रहा है मार रहा है, गोली मार रहा है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, क्या माया का चक्कर चल रहा है, सब निपट रहे हैं। अब मैं किसी डिबेट में बैठा तो कोई कह रहा है कोई और भी लोग इधर उधर रहते हैं कराची वराची में, मैंने कहा कोई सेफ नहीं है आज की डेट में, आप कराची में हो, इस्लामाबाद में हो, पिंडी में हो या कंटोनमेंट में हो, सेफ तो नहीं हो। अब हमने कुछ नहीं किया, हमें नहीं पता कौन कर रहा है, पता नहीं रोहित भाई क्या हो रहा है। देखिए जब और पाकिस्तान में तो वैसे ही आजकल सेल लगी है ना, पर हर जगह के हेड, अगर आप कह रहे हैं कि वहां पे हेड जो है वो इंडियंस लग गए हैं, तो सर वो अपनी काबिलियत पे लगे हैं ना। अगर वो हम अगर हमें कुछ नहीं मिलेगा तो उसमें आप उनको कहेंगे कि वो नहीं दे रहे, ये बात। आ रहा हूं इनको भाई के आप वॉशिंगटन डीसी में, आप यू डोंट एग्जिस्ट, आप यहां पे एग्जिस्ट नहीं करते। यहां इस वक्त भारतीय लॉबी जो है वो इसराइल की लॉबी के बाद दूसरे नंबर पर है। अब तो मेरे ख्याल में पहले नंबर पे आ रही है, इसराइल की भी नीचे जाती जा रही है। हर दूसरी कंपनी का सीईओ जो है भारतीय है। अब आगे जे बंगा साहब वर्ल्ड बैंक में आ रहे हैं, कुमार साहब फेडअप के हेड हैं इस वक्त। तो सारी चीजों के अंदर अब आप अमेरिका से एक्सपेक्ट करना छोड़ दें चीजें। अब अमेरिका आपसे डील करेगा वाया भारत, भारत जिस तरह चाहेगा अमेरिका आपको वो जो है रोटी के टुकड़े कुछ दे दिया करेगा, वो भी भारत की मर्जी से। आपने बिल्कुल यहां पे 2 फर्में हायर की हैं अपने आप को प्रमोट करने के। यहां पे हमारे बिलावल भुट्टो साहब महीने में 2-2, 3-3 दफा आते रहे हैं सिर्फ अपने आप को प्रमोट करने के। खान साहब ने एक लॉबी फर्म को हायर किया सिर्फ अपने आप को प्रमोट करने के लिए। पाकिस्तान को प्रमोट यहां पे नहीं किया जाना।
आपका इंटरेस्ट नहीं है किसी। हम सोचेंगे हम डॉलर्स के बजाय अपनी करेंसी में ट्रेड करेंगे तो बहुत सारी सैंक्शंस आ जाती हैं, जबकि भारत जो है वो अपनी करेंसी में हर कंट्री के साथ कर रहा है और उस पर कोई प्रेशर नहीं है, कुछ नहीं है, और वो इजीली अपनी ही करेंसी में हर कंट्री के साथ ट्रेड कर रहा है। कैसे? भारत का डिफेंस बजट एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, वो अर्न कर रहा है आईटी से 150 बिलियन डॉलर, पाकिस्तान अर्न कर रहा है 2 बिलियन डॉलर। टेक्नोलॉजी को उसने प्रमोट किया, हमने किया, हमने नहीं किया। सही। वो 150 बिलियन डॉलर, हम 2 बिलियन डॉलर। हमारे फॉरेन रिजर्व इस वक्त अभी 700 करोड़ डॉलर हमें दिया चाइना ने, वो मिला के बन रहे हैं 4 बिलियन डॉलर। कितने? 4 बिलियन डॉलर। हॉलीवुड की इतनी तो एक मूवी कमा लेती है। और जो उनकी ट्रेड अपनी करेंसी में वो कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, क्योंकि उनकी प्रायोरिटी है अपनी इकोनॉमी। वो रशिया से नहीं डरते, वो अमेरिका से नहीं डरते, वो कहते हैं भाई हमारे ये ट्रस्ट है, उनके पास एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग है, सैमसंग की मैन्युफैक्चरिंग है, होंडा की, होंडाई की मैन्युफैक्चरिंग है पाकिस्तान के पास। और यही जो हिलरी क्लिंटन बोलती थी ना, स्नेक्स इन द बैकयार्ड वाली फेमस स्पीच है उसकी, कि जैसा बोगे वही फल काटोगे यार तुम, जो तुमने बोया है ना, तुमने बबूल बोया है तो उसमें आम या फिर पपीता या नारंगी तो नहीं होगा, उसमें बबूल का ही फल आएगा, फिर वो कटीला फल, जहरीला फल वही आएगा यार, तो यही तुमने बोया है। अब तुम 10 बार लोगों को कह दो कि यू नो रॉ की साजिश है और इंडिया की साजिश है और ये यू नो अफगान इंटेलिजेंस की साजिश है और यहूदियों की साजिश है, अमरीकियों साजिश वाजिश नहीं, खुद की आप लोगों की नालायकी है, आप लोग निकम्मे हैं, आप लोग नालायक हैं। मुल्क आपने ले लिया जिद में कि मुल्क बनाना है, पाकिस्तान बनेगा, चलाना आपको आता नहीं है। ठीक है, जैसे बच्चा होता है ना कि नहीं मुझे खिलौना चाहिए, जमीन पर लेट जाता है तो माँ बाप कहते हैं यार ठीक है यार दो दे के खत्म करो। आपने देखा होगा ना शॉपिंग मॉल में बच्चे, नहीं देखे आपने जो बदतमीज टाइप के बच्चे होते हैं जो पेरेंट्स को एम्बेरस कर देते हैं पब्लिकली, शॉपिंग मॉल के फ्लोर में लेट जाएंगे, हाथ पैर पीटने लगेंगे, है ना, कभी कभी दिखते हैं कि नहीं मुझे चाहिए चाहिए, फिर उसको ले जाते हैं। तो ऐसे तो इन्होंने जिन्ना ने जमीन पर लेट, जिन्ना वही बच्चा था ठीक है ना, जिसने पीट पीट के शॉपिंग मॉल का कि माँ बाप से बोला कि नहीं मुझे पाकिस्तान चाहिए चाहिए चाहिए, मैं सांस रोक लूंगा, मैं पानी नहीं पीऊंगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं घर से भाग जाऊंगा, तो बोला ले यार ले ऐश कर, और पाकिस्तान मिल गया। नाउ फॉर 75 years दे डोंट नो व्हाट टू डू, पाकिस्तान तो मिल गया, अब उसका करना क्या है इनको ये नहीं पता। इसलिए जब भी पाकिस्तानी बोलते हैं ना कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, बोलो तुम लोग करोगे क्या उसका यार, तुम लोग करोगे क्या? अगर तुम्हें कश्मीर भी मिल गया, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन अगर तुमने मिल गया तो वही तुमने 500-500 गज के प्लॉट काट के बेच देने उसके, इससे ज्यादा तुम्हारा विजन है ही नहीं, अपने मुल्क के लिए विजन नहीं है, कश्मीर के लिए क्या विजन होगा? यूरोपीय पीपल, अजय बंगा क्यों नहीं पैदा हो रहा वहां से, पे कैसे होगा पैदा, नहीं हो सकता, चाहते ही नहीं है मैं कि आपके रूलिंग एलीट अपने बच्चे उनके यहां पे आते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटियों से पढ़ते हैं, उनको फीसें आपके खून चूस चूस के देते हैं, दैट इज इट। 76 साल से यही हो रहा है। यहां पे मुझे ऋषि सोनक जो है वो कहता है इंग्लिश और मैथ पढ़ो ब्रिटिश लोगों को, आपका अमीरुल मोमिनीन कह रहा है जिहाद करो और उर्दू पढ़ो, पिछला कहता था अरबी पढ़ो। आपको तो अपनी शिनाख्त का इशू है भाई, आपको यही नहीं पता कि हमने करना क्या है, हम हैं कौन, आप कौन हैं, आप कहां से शुरू हुए हैं, आप मुसलमान कैसे हुए हैं, आपके आपके साथ फॉरेन इन्वेडर्स ने आके क्या क्या जुल्म किए, आपको ये पढ़ना होगा, ये इस चीज को एडमिट करना होगा। बट मेरे पठान भाइयों ने कहा था मिसाइल का नाम चेंज कर लो, सूरी नहीं है, सूरी हम अफगानी हैं, अपना नाम रखो कोई, आपको ये तवज्जो देनी होगी आरजू, आपका नाम आरजू कैसे हुआ है, आपको ये सोचना चाहिए। आपको पता है इंडिया ने उन्हें राइस एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया, इंडिया ने राइस एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया, चाइना की हालत खराब है, अफ्रीकन देशों में जितने उनके कॉन्ट्रैक्ट्स थे राइस एक्सपोर्ट वगैरह को लेके वो सब खटाई में पड़ गए हैं, मतलब ना कल्टीवेशन को लेके। अब चाइना की नजर पता किस पे है, हमारे दूसरे पड़ोसी पे, पाकिस्तान। अभी जो पाकिस्तान पे एकदम दिल आया ना, जो उनको 1.3 बिलियन या 1.4 बिलियन डॉलर का लोन दिया है, क्यों दिया है? मेरे सोर्सों के अकॉर्डिंग पंजाब की कुछ लाख एकड़ जमीन मांग की है वापस में, तो अब पाकिस्तान में खाना उगेगा पाकिस्तानियों के लिए नहीं, चीनियों के लिए। तो पाकिस्तान इज बिकमिंग द फूड कॉलोनी ऑफ चाइना, ये हालत हो रही है चाइना की। चाइना में अभी आप देखिए इकोनॉमी का तो डाउन टर्न है ही है, चाइना के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नीचे जा रहे हैं, सब चाइना में नथिंग इज फॉलिंग इन प्लेस। और भगवान जी जिनपिंग की को सलामत रखे, जब तक जी जिनपिंग वहां रहेगा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, चीजें खुद ब खुद टूट टूट के निकलती रहेगी। आप देखिए भारत में इतने बड़े इवेंट हुई, चाइना की एक प्रतिक्रिया नहीं हुई, एक प्रतिक्रिया नहीं हुई है।
आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।